हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबने मेरे मनाली के सारे व्लॉग्स तो देखे ही होंगे, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अब मैं आपको मनाली के 3 फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को दिखाने वाला हूँ, जिसको घूमे बगैर आपकी मनाली ट्रिप अधूरी रह जाएगी। आइए सबसे पहले ले चलते हैं आपको हिडिंबा देवी मंदिर। तो अभी हम आ पहुंचे हैं हिडिंबा देवी मंदिर, और आज इस सफर को पूरा करवाएंगे रवि भाई। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको अगर मनाली घूमना हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनके साथ पूरी मनाली घूम सकते हैं। तो ये है हिडिंबा देवी मंदिर, जो कि मनाली मॉल रोड से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे जहां ये मंदिर लोकेटेड है उस जगह को डुमरी भी कहते हैं, और यहीं पर स्थित है डुमरी वन विहार भी। हिडिंबा मंदिर का निर्माण महाराजा बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में करवाया था, यानी कि 1553 में करवाया था। जापानीज पैगोडा स्टाइल में बना हुआ ये मंदिर डेडिकेटेड है हिडिंबा देवी को, जो महाभारत के भीम की पत्नी थी। क्योंकि हिडिंबा देवी एक राक्षसी थी, ऐसा माना जाता है कि वो अपने भाई हिडिंब के साथ इसी जंगल में रहती थी, और यहीं पर उनका और भीम का विवाह हुआ था, जिसके बाद उन दोनों को घटोत्कच नाम का एक पुत्र भी हुआ। यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर वीर घटोत्कच का भी एक मंदिर है, जहां पर भी मैं आपको लेकर चलता हूं कुछ देर में। मंदिर के अंदर एक गुफा है, जिसमें माना जाता है कि हिडिंबा देवी तपस्या किया करती थी। गुफा के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आपको अंदर का कोई भी दृश्य नहीं दिखा सकता। इस मंदिर में भी कुल्लू के अन्य मंदिरों की तरह लकड़ियों की काफी खूबसूरत नक्काशी की गई है, जो कि टिपिकल हिमाचली स्टाइल के मंदिरों में देखने को मिलती है। इसके अलावा जानवरों की सींग के साथ भी यहाँ पर मंदिर को सजाया गया है। पाइन के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच इस मंदिर का होना अपने आप में एक अलग ही एहसास है। इस कारण से टूरिस्ट लोग यहाँ पर हमेशा भीड़ लगाए हुए रहते हैं, और मनाली में खास करके अगर लोग आते हैं तो हिडिंबा मंदिर आना वो नहीं भूलते। तो आइए अब आगे चलते हैं, और आपको मैं दिखाता हूं कि यहां पर अम्यूजमेंट के लिए आपको क्या क्या एक्टिविटीज करने को मिल जाए। सर, क्या चीज है आपके हाथ में? यहाँ के खरगोश। कैसा लग रहा? इसी से बनता है ना, इसके फर से। जी, कैसा लग रहा आपको मनाली में? मजा आ रहा है। आप लोग यहीं रहते हो गांव में? नहीं। रोज नहलाते हो किसको? कहीं काफी साफ सुथरा, एकदम सॉफ्ट है ये। इसका नाम भी है कुछ? राजा। राजा, इसकी रानी? रानी घर पे। रानी घर पे? अरे रानी को लाना चाहिए, कैसे इसका तभी मन, तभी मुंह उदास है इसका। वेल, दीज आर अंगोरा रैबिट्स। इन्हीं के फर से बनता है अंगोरा मफलर्स या फिर कैप्स जो होते हैं, काफी सॉफ्ट है। आप इनके साथ इनको गोद में लेकर के फोटो खिंचवा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर याक पर बैठकर भी फोटो खिंचवा सकते हैं, उसके लिए आपको देने होंगे 100 रुपए। मैंने यहाँ ट्राई की तीरंदाजी, यानी कि आर्चरी। हिट हुआ है या मिस, ये आप ही देख लो। यह है घटोत्कच टेम्पल, भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के नाम से है ये।
हिडिंबा मंदिर परिसर के बाहर आपको काफ़ी सारे छोटे बड़े दुकानें मिल जाएंगी, जहां से आप अपने लिए शॉपिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सियाली महादेव टेंपल। ये हिडिंबा मंदिर से थोड़ा नीचे पड़ता है सियाली महादेव मंदिर। इसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो इस बार इसको भी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अंदर आपको दिखाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत लग रहा मंदिर बाहर से, आप देख सकते हो। सियाली महादेव अपनी खूबसूरत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर हिडिंबा मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते के एक कॉर्नर पर स्थित है। मंदिर में स्थित शिवलिंग प्राचीन काल से यहाँ मौजूद है। इस मंदिर के पीछे एक छोटा मंदिर भी है, और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती एक पेड़ के तने से, यानी कि एक पेड़ के ट्रंक के बीच में से प्रकट हुए थे। उसी स्थान पर ये छोटा मंदिर बना हुआ है। यहाँ की आर्किटेक्चर भी यहाँ की मंदिरों से मिलते जुलते हुए, पूरे लकड़ी की बनी हुई है, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। ये भी प्राचीन मंदिरों में से एक है, शिव जी का मंदिर। वैसे यहाँ साल भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि के समय यहाँ पर भीड़ देखने लायक है। वैसे मनाली आने वाले लोग बहुत कोई इसके बारे में नहीं जानते, तो एटलीस्ट अब इस मंदिर में आना लोग पसंद जरूर करेंगे। एंड नाउ दिस इज द टिबेटन मॉनेस्ट्री, जो कि मॉल रोड के पास स्थित है। ये मॉडल टाउन है मनाली का, और यहीं पर टिबेटियन मोनास्ट्री बनी हुई है। लोग यहाँ पे जरूर आते हैं घूमने के लिए। हिमालयन नंगमापा गोम्पा और द मोनास्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोनास्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि मनाली में सिचुएटेड है। बुद्धिज्म के रिच कल्चर और हेरिटेज को दर्शाता हुआ ये मोनास्ट्री टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है। इसलिए जो कोई भी मॉल रोड या फिर मनाली घूमने आते हैं, वो यहाँ पर जरूर आते हैं। मनाली मॉल रोड के बस स्टैंड से ये मोनास्ट्री सिर्फ 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर स्थित है, तो इसलिए यहाँ आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग यहाँ घूमते फिरते आ सकते हैं। Tourists are attracted to this place as they feel peace while coming to this monastery. The most prominent feature of this place is the gigantic idol of Sakyamuni Buddha sitting in a meditative pose. तो अगर आपको शांति चाहिए तो यहाँ पर जरूर आए और थोड़ा समय बिताकर यहाँ पर जरूर से मेडिटेशन करें, आपको जरूर शांति मिलेगी। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इस मोनास्ट्री में प्रेयर व्हील्स को जरूर घुमाएं, आपको एक अलग ही एहसास होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपके सामने अच्छे से अच्छे ट्रैवल वीडियोस ला सकूं। तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्स भी करें। तब तक के लिए सी यू अगेन।